और नीट पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। हालांकि सरकार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, मगर पहले अभिभाषण पर चर्चा होगी। इस बात पर विपक्ष लोकसभा से वॉकआउट कर गया। राहुल ने नीट पर चर्चा की मांग की थी। राहुल गांधी ने कहा कि 7 साल में 70 बार पेपर लीक हो चुका है। उन्होंने नीट पर चर्चा की मांग की और विपक्ष ने आज सदन से वॉकआउट कर दिया। लोकसभा से वॉकआउट कर दिया विपक्ष ने। नीट पर चर्चा की मांग राहुल गांधी ने रखी और कहा कि बीते 7 सालों के अंदर 70 बार पेपर लीक हुआ है देश के अंदर। हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो, काफी जरूरी मामला है, 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है, 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं, तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो, तो अगर आप मौका दे सकें। ठीक है। लोकसभा को सुचारू तरीके से चलाने के लिए राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सामने सुझाव रखा। उन्होंने कहा पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करें और उसके बाद नीट समेत किसी भी मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार है। और इसके बाद राहुल गांधी ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा। राहुल ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद नीट पर चर्चा के लिए एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, जिस पर स्पीकर ने राहुल गांधी को प्रस्ताव लाने को कहा। ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है। और मानता हूँ कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। संसद के दोनों सदनों में आज माइक का मुद्दा उठा। कांग्रेस सांसदों ने आरोप लगाया कि लोकसभा में बोलने के दौरान राहुल गांधी का माइक बंद किया गया। राज्यसभा में जब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया तो इस पर सभापति की ओर से जवाब दिया गया। राज्यसभा में माइक बंद करने के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस के नेताओं के माइक बंद करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के आरोप पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप सहने लायक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां माइक बंद नहीं होता और कहा कि आपको टेक्नोलॉजी समझनी चाहिए। यह भाषा प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री की भाषा में बोल रहा हूं। This will not go on record.